everyone, welcome back to my channel One Step Reading. So this is the episode 4 where we gonna learn tools and indicators. So इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको शेयर करूंगी which are those tools and indicators which I personally use while trading. Now see, tools and indicators कई प्रकार के होते हैं, like यहाँ पे 1700 tools and indicators आपको देखने को मिल जाएंगे, but हम लोग इसमें से जो main होगा वही discuss करेंगे and especially मैं क्या use करती हूँ, मैं क्या prefer करती हूँ, वही मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है? So tools and indicators में सबसे पहला important tool आता है, उसका नाम है फिबोनाची टूल, जो बहुत ही ज्यादा काम आता है मार्केट के अंदर एंड मैं पर्सनली उसको बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ, लाइक ऑन अ फ्रिक्वेंट बेसिस. सो यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिबोनाची कुछ इस तरीके का दिखता है एंड अभी इसे अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी सेटिंग्स क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे बताने वाली हूँ. सो चलिए चलते हैं चार्ट्स में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है एंड अभी यहाँ पे सिंपली ये होता है इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे जो चीजें आती है उसको बोलते हैं टूल्स. ओके, सो इसमें से ये वाला जो फिबोनाची का टूल्स है, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन करंटली यूज कर रही हूँ मैं. यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में साइड बार जो है इसमें सिंपली आपको ऊपर से थर्ड ऑप्शन में जाना है जहां पे आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है सिंपली. ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, अब देखो इस टूल को ड्रॉ करने के लिए हमें मेजरली दो चीजें चाहिए, वो है स्विंग टॉप एंड स्विंग लो. ठीक है, अब कोई सा भी स्विंग टॉप एंड स्विंग लो ले लेते हैं. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लो, ये मैंने ये स्विंग लो लिया एंड ये मैंने स्विंग टॉप लिया. ठीक है, जब भी मैं इस चीज को लूंगी तो इसके अंदर बहुत सारी लेवल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे 0.236 का लेवल, 0.382, 0.5, 0.618 एंड ऐसे बहुत सारी लेवल्स आपको देखने को मिल रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जितनी भी लेवल्स यहाँ पे बन रही, अगर मैं एक पल के लिए इन सबको मार्क कर दूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मैं मार्क कर दूं, तो क्या देखने को मिल जाएगा हमें कि ये जितनी भी लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क करी है ना, वो सारे ही मार्केट इनको कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है. जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ये ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया. ठीक है, कहीं ना कहीं ये लेवल्स बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है. अब कोई भी टूल एंड इंडिकेटर की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, इट्स जस्ट लाइक 80-85%, तो आप उसी हिसाब से इनको लेकर चलिएगा. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जितनी भी लाइंस मैंने मार्क करी है कि किस हिसाब से काम करती है, अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये काम करती है. जितनी भी लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क करी है सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है. बट इसका मेन रूल क्या है, मैं इसको किस हिसाब से यूज करती हूँ वो अगर मैं आपको बताऊँ, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से स्विंग लो से स्विंग हाई को मार्क किया, तो देखिए अब है ना ये जो टूल है ये मेजरली बताता है कि मार्केट कहाँ से पलटेगी. ठीक है, जैसे मार्केट में कोई ट्रेंड आ रहा है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो ये जो टूल है ये हेल्प करेगा आपको बताने में कि कब मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा. जैसे कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो कब डाउन ट्रेंड बनेगा ये आपको बताएगा कैसे. देखो 0.382 एंड 0.618, ठीक है, अपनी डायरी में लिख लीजिएगा 0.382 0.618 बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रेशियोज है, इनको आप एकदम लक्ष्मण की रेखा मान के चलिएगा. ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि जब भी इन लेवल्स का ब्रेक होता है, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो जैसे ये 0.382 का जो लेवल है इसको अगर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, यहां से ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड हो जाएगा, है ना. जैसे मार्केट लॉन्ग रन की बात करें, अभी मार्केट लॉन्ग रन में क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है. अगर ये 0.382 का रेशियो नीचे की तरफ टूट जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट में एक छोटा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है. सो ये एक ट्रेंड को चेंज करने में आइडेंटिफाई करता है. अभी जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके देखें, ठीक है, स्विंग हाई से स्विंग लो, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है. ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड जा रहा था. अब जैसे ही यहाँ पे इसने गोल्डन रेशियो को ब्रेक किया, ठीक है, अच्छे से सस्टेन किया एंड ब्रेक किया, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे थोड़ी देर सस्टेन किया, मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया. ठीक है, सो कहने का मतलब है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है उसका रिवर्सल कब आएगा, ये सारी चीजें को आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, दैट इज फिबोनाची, मतलब 80-85% की एक्यूरेसी के साथ ये हेल्प करता है. ओके, अब इसको आप मोस्टली जैसे डेली टाइम फ्रेम, वन आवर टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना तो ज्यादा इसकी एक्यूरेसी दिखेगी आपको, बट अभी जैसे हम 5 मिनट 15 मिनट लेते हैं तो वहां पे हम थोड़ा बहुत ट्रैप भी हो जाते हैं, बट ओवरऑल इसका यूसेज मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट, इसके बाद जो इंडिकेटर मैं यूज करती हूँ उसका नाम है पिवट पॉइंट्स, वो मेरे लिए काफी अच्छा काम करता है, हेल्प करता है. सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो इस तरीके का दिखता है. पिवट पॉइंट्स हेल्प करता है अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने में. ऑल्सो मैं इसको मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग में यूज करती हूँ, इसमें पता चल जाता है स्टॉक्स के अंदर की क्या मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है. तो एक बार हम इसका यूसेज समझ लेते कि कैसे इसको यूज करते हैं एंड इसकी क्या सेटिंग है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर्स में आपको जाना है सिंपली, एंड इंडिकेटर्स में जाने के बाद सिंपली सर्च करना है पिवट. जब आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे उसमें से पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज करना है, एंड पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को लगाते ही आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है. तो सेटिंग्स क्या रहेगी, इनपुट में जाके
टाइप में आपको लेना है फिबोनाची, आपके इसमें ऑटोमेटिकली ट्रेडिशनल आएगा बट आपको फिबोनाची कर देना है, टाइम फ्रेम ऑटो ही रखना है एंड नंबर ऑफ पिवोट्स बैक का मतलब होता है कि आपको कितने दिन का डेटा चाहिए। जैसे मुझे एक दिन का डेटा इनफ लगता है मेरे लिए, एक ही दिन का मैं काम कर, मेरे लिए एक दिन का डेटा इनफ लगता है। जब मैं बैक टेस्टिंग करती हूँ तब मैं ज्यादा दिन का लेके चलती हूँ, बट जब मैं इंट्राडे ट्रेड कर रही हूँ तो मैं एक दिन का लेके चलती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीजें एज इट इज रहने देनी है एंड यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह सेव इज डिफॉल्ट करके ओके कर देना है। ये सेटिंग्स आपको सबसे पहले बना लेनी है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, जैसे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पिवोट लग गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो फ्राइडे के दिन जब मार्केट यहाँ पर ओपन था, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, एग्जैक्ट पिवोट से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट भी इसी कैंडल से लिया। फाइनली व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स, यहाँ पे दो सपोर्ट एक साथ तोड़े, यहाँ पे इसी एग्जैक्ट सपोर्ट से रीटेस्टिंग हुई एंड देन अगेन ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ एंड इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से ये काम करता है एंड आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो इसका आराम से, 15-20 दिन का आराम से बैक टेस्टिंग कर लेना। सेटिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए मोस्टली मुझे ये जहां काम आता है वो है इक्विटी में। जैसे मैं कोई भी स्टॉक को परचेज करती हूँ तो उससे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे उसका मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल जाता है पिवोट्स की हेल्प से, ठीक है। सो वो मेरे को थोड़ा यूजफुल, वैसे अभी मैं यहाँ पे मैनुअली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगी ना सारे डेटा को रीड करके, जैसे यहाँ पे अभी मैं जैसे यहाँ चार्ट पे मैं 1 आवर टाइम फ्रेम लगाऊंगी और इस तरीके से मैं अपना मैनुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगी। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर की साइड मेजर रेजिस्टेंस है, तो वो चीज तो देखो 90-95% वर्क करती ही है, ये तो बहुत ही ग्रेट है। बट ये जो टूल्स एंड इंडिकेटर्स है ना ये बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है एंड काफी बिगिनर फ्रेंडली भी है। सो सी अगर आप बहुत ही न्यू स्टेज पे है एंड अभी भी सीखना चालू किया है एंड जैसे कि अगर आप मेरे एपिसोड से सीखना शुरू करें तो अभी अगर हमारा 4th एपिसोड ये चीज पे आया है सो आप बहुत अच्छे से इनको यूज कर सकते हो। अगेन ट्रस्ट देम फॉर 80-85% एक्यूरेसी, ठीक है। सो मैं तो आप लोगों को यही चीज रिकमेंड करूंगी कि अगर आप यूज करो तो एक बार इसका बैक टेस्ट कर लेना एंड देन ही इसको अपनी लाइफ मार्केट में अप्लाई करिएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ वो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल विच इज EMA, ओके। सो ये भी काफी अच्छा हेल्प करता है, इसमें पता चल जाता है कि मार्केट कब तक अप ट्रेंड में रहेगा, कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा या फिर इसमें भी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। EMA में क्या होता है ना कि एक चार्ट लाइन होती है जो प्राइस के साथ मूव करती जाती है, तो इसमें क्या होता है जैसे ही प्राइस उस चार्ट लाइन को कट करती है, जैसे अगर अपसाइड करी तो वहां से अप ट्रेंड हो जाएगा एंड अगर डाउन साइड कट करी तो वहां से डाउन ट्रेंड हो जाएगा, तो काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रेंड पता चलता है इससे अगर आप इंट्राडे में अप्लाई करते हैं। सो आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप इसको समझते हैं चार्ट्स पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप इंडिकेटर्स पे जाइए एंड सिंपली सर्च करिए EMA, सो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको देखने को मिलेगा। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 9 EMA लगा रखा है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड था, तो जब मार्केट में इस प्राइस ने इस लेवल को कट किया, जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये क्या है हमारा EMA, तो जब इसको कट किया तो ये अप ट्रेंड चला गया, फिर जब नीचे की साइड इसको ब्रेक किया तो मार्केट में डाउन ट्रेंड हो गया। सो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, जब भी इस लाइन का कट करता है, जिस साइड कट करता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड बन जाता है। अब 9 EMA, 20 EMA, 50 EMA एंड 200 EMA, ये 4 EMA मैं पर्सनली यूज करती हूँ, ठीक है। अब इसकी भी अपने आप एक स्ट्रेटेजी है जो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी, एक सेपरेट वीडियोस के लिए बनाऊंगी पूरी डिटेल्ड में, इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगी नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बहुत सिंपल रखने वाले। तो अभी आपको समझ में आ गया कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। अब ये 9 EMA, 20 EMA, 50 EMA ये किसमें काम आता है, इंट्राडे में, एंड 200 EMA काम आता है फॉर हाई टाइम फ्रेम्स फॉर लॉन्ग रन, ठीक है। अगर आप इंट्राडे एक दिन के लिए करें तो आप 9, 20, 50 EMA यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी सारी चीजें एक्जैक्टली सेम है, एक जैसे ही काम करती है, ठीक है। अगर प्राइस ने वहां से सपोर्ट लिया तो प्राइस में एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है, अगर प्राइस ने इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया तो वहां पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है। ये EMA अपने आप में एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। ऑल्सो दिस वर्क्स ग्रेट टू आइडेंटिफाई द चेंज इन ट्रेंड, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वन है, काफी ज्यादा यूजफुल है बिगिनर्स के लिए, दैट इज ZigZag इंडिकेटर। अब ZigZag बहुत ही सिंपल और सरल है, एक बार स्क्रीन पे देख लो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ZigZag इज ए इंडिकेटर विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई स्विंग्स हाई एंड स्विंग्स लोज। अब बहुत से बिगिनर्स को ये काफी दिक्कत आती है कि उनको स्विंग्स का पता नहीं चलता, वो स्विंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। वो आराम से ये जो इंडिकेटर है बता देगा आपको कि क्या स्विंग हाई है, क्या स्विंग लो है। सो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब एक बार हम इसको फटाफट से चार्ट्स पे समझ लेते कि कैसे यूज करते, कैसे अप्लाई करते, क्या सेटिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है ZigZag। जब आप सर्च करोगे ZigZag तब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स, ठीक है।
तब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इंडिकेटर का नाम। अब यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है, इसका प्राइस डेविएशन आपको कर लेना है 0.5 एंड पिवोट लेग्स आपको ले लेना है 2 और यहाँ पे जितने भी टिक्स मार्क्स है लास्ट के 3 आपको हटा देना है एंड ओके कर देना है। नाउ सी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा इतने अच्छे तरीके से इसने सारे स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया है, ठीक है। बट इसमें कंडीशन है कि आपको छोटे छोटे स्विंग्स जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे स्विंग्स ये आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इसका तो काम इसने हर एक स्विंग को लेके आपको बता दिया है, मार्क कर दिया है। बट आपको छोटे छोटे स्विंग्स नहीं लेना है, आपको हाई, आपको जो बड़े बड़े स्विंग्स दिख रहे हैं ना, ये आपको लेके चलना है। अब जो मैंने फर्स्ट टूल बताया था फिबोनाची का, वो आप इसकी मदद से आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट इन केस आप बहुत न्यू है, बिगिनर है, अगर आपको नहीं आता ये सारी चीजें तो ठीक है। बाकी अगर आप एडवांस है तो आपके लिए कुछ काम का नहीं है, बट बिगिनर्स के लिए मैंने काफी हेल्पफुल चीज बता दी, तो आप इस तरीके से स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क कर सकते हैं। ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वॉल्यूम इंडिकेटर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज। ऑल्सो आई यूज इट वेरी फ्रिक्वेंटली इन स्विंग ट्रेडिंग, बट इंडेक्स में भी काफी अच्छा वर्क करता है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इज एन इंडिकेटर विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई हाई डिमांड एंड हाई सप्लाई इन पर्टिकुलर प्राइस एक्शन, इन प्राइस मोमेंटम, इन कैंडलस्टिक। सो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि कोई प्राइस बनी है, अब उसके नीचे उसकी वॉल्यूम भी बनती है, प्राइस है उसके अंदर क्या होता है, दोनों बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड होते हैं, बट जो प्राइस है उसके अंदर आखिर में जीत किसकी होती है, आखिर में क्या पोटेंशियल निकल के आता है, वो किसकी तरफ से पता चलता है, दैट इज वॉल्यूम के थ्रू, ठीक है, कि किसमें ज्यादा पोटेंशियल है। इसकी भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में सेपरेटली बताऊंगी, बट इसमें हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसको यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक बार आप देख लो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाके सिंपली सर्च करना है वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम लिखोगे तो यहाँ पे जो सिंपल वॉल्यूम लिखा है ना, वो आपको सिलेक्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं लेना है। सो जब आपने वॉल्यूम ले लिया, अभी यहाँ पे आप नोटिस करो, ये वाली जो कैंडल बनी है डोजी कैंडल, ठीक है, तो डोजी कैंडल काफी वीक है, बट इसकी वॉल्यूम देखो कितनी हाई है, और इसके बाद जो कैंडल बनी वो काफी स्ट्रांग है, बियरिश कैंडल, ठीक है, बट यहाँ पे आप उसकी वॉल्यूम देखो वीक है। सो ये जो चीज देख रहे हो ना, ये चीजें क्या करती है, मार्केट में ट्रैप करती है। अगर वीक कैंडल हो, वॉल्यूम स्ट्रांग हो, तो मार्केट में ट्रैपिंग चलती है, एंड इसी की वजह से मार्केट साइडवेज होता है एंड आप लॉस में आते हैं। तो इसकी भी अपने आप में बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, पक्का आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट अभी एक चीज समझो कि जितनी ज्यादा स्ट्रांग कैंडल बनेगी और जितनी ज्यादा स्ट्रांग उसकी वॉल्यूम निकल के आएगी, मार्केट में उतना ही बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। So overall, this indicator helps us to identify the demand and supply in that particular price action, in particular candlesticks, okay? And also this indicators helps to control the price action, price momentum, okay? So ye indicator kafi zyada us tarike se kaam aata hai. Okay, so yeah, that's it, end of the video. Ab isme bahut sare aise indicators aur tools hai jo chhoot gaye hain, jaise RSI, MACD and bahut sare hain jo maine aapko nahi bataye. But if you want me to discuss about that one also, let me know in the comment section, aap kis particular tools and इंडिकेटर्स के बारे में आप मेरे से वीडियो चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। बट देखो, इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ वही कवर किया है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, लगाने को यूज करने को 1700 चीजें, बट मैंने जैसे पहले भी बताया, ऑलवेज कीप योर चार्ट वेरी नीट एंड क्लीन, जितना ज्यादा सिंपल एंड सरल रखोगे उतना ही आप प्रॉफिट में रहोगे, बाकी तो कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ लॉस ही होना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ अप्लाई करने से भी कोई मतलब नहीं निकलता है। जस्ट पिक योर 2 to 3 बेस्ट इंडिकेटर्स एंड अप्लाई देम फ्रिक्वेंटली, कंसिस्टेंटली, तभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो या मेरे लिए तो आप सबके लिए यही एडवाइस रहेगी कि मेरी तरह आप भी सिंपल रखिए अपने चार्ट्स को, ठीक है, जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन, सिंपल, क्लियर रखोगे उतना ही आपको प्राइस एक्शन इजीली एक्सेस होगा, इजीली दिखेगा, आप इजीली ट्रेड कर पाओगे, पता चल पाएगा कि प्राइस किधर जाना चाहती है, क्या ट्रेंड बनने वाला है, ठीक है। बाकी जितनी ज्यादा चीजें आप यूज करोगे उतना ही आपको लॉसेस होने के चांसेस है। सो या दैट्स इट, आई होप दिस वीडियो टर्न्स आउट टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू, इफ इट इज प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो, ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर आने वाले टाइम में आप मेरे से कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।